अच्छा तो यार आज ना अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी मैं आज थोड़ा सा लेट खाने आ रहा हूँ और केले खाने जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी वो जो मिस में आना था आज टाइमिंग हमारी 11 बजे तक है ना, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया हूँ खाना खाने आने के लिए। और जो दूसरे हाफ साहब थे उन्होंने जाना है जल्दी तो वो चले गए बाहर और अभी मैं केला जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। तो चलो चलते हैं अभी ना यार यहाँ पे बैठ के भाई खाना खा रहे थे तो मैं वहाँ से लेके आया हूँ बिरयानी, बिरयानी करके गर्म करके लेके आया हूँ। तो वो कहते यार ये दाल और ये भाभी गई ना तुम्हारी भाभी गई है मैक के मतलब कि गई हुई है तो मेरी मामा ने खाना बना के दिया तो उन्होंने पराठे बना दिए काफ़ी हैवी। तो अभी वो कहते हैं यार मेरे से खाया नहीं जा रहा तुम ये खा लेना, मैंने अब तो उन्होंने मुझे ये दिया दाल और ये साथ पराठा और ये साथ ये बिरयानी है। वो कहते हैं यार ये बाद में खा लेना, मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैंने तो वैसे दिल कर रहा था सालनी या रोटी के खाने का तो वो उन्होंने मुझे दे दी यार कि ये खा लो ज़ाया नहीं होना चाहिए आप खा लो, तो बिरयानी किसी और को दे देना अगर नहीं खाई जाएगी तो मैंने कहा ठीक है यार मैं खा लेता हूँ। अच्छा भाई खाना खाने के बाद ना मैं शॉप पर जा रहा था, मुझे याद है यार बैंक में पैसे भी जमा करवाने हैं अभी, तो अभी मैं बैंक आया हूँ और बैंक में काफ़ी रश लगा हुआ है यार, लाइनें लगी हैं, बैंक के बाहर खड़ा होकर वेट कर रहे हैं अभी। देखो अभी ये भाई खड़े हैं, इससे पहले दो बंदे खड़े थे और अंदर भी देखो कितने ज़्यादा लोग बैठे हैं, तो सारे हो जाएंगे तो फिर बारी आएगी आपको। अच्छा भाई अभी मैं फ्रंट सीट पर आ गए बिल्कुल आगे और अभी सारे बंदे अंदर चले गए, अभी सिर्फ मैं ही रह गए और उससे पीछे यार बैंक में पैसे जमा करा दी थी मेरी बारी आ गई थी लेकिन पीछे जो लोग थे ना वो काफ़ी ज़्यादा खड़े थे उनकी पता नहीं बारी आती है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? नहीं उन भी लोगों। अच्छा तो ना अभी 7 बज गए हैं और दूसरे भाई आगे में छुट्टी हो गई है और बस अभी मैं वहाँ से निकल आया हूँ, मेरे पास यार ये सामान है बैग भी हेलमेट भी है। तो कारीफोर में मैंने जाना, मुझे भाई ने कहा था कि यार वहाँ से ना हेयर स्प्रे लेता वहीं, तो हेयर स्प्रे लेना उसके लिए अंदर जाने के लिए ना पहले ये रखवाना पड़ेगा उनके पास, ये रखवा के तो फिर मैं जाऊँगा अंदर। आप ना फ्री ऑफ कॉस्ट अपना सामान रखवा सकते हैं, अगर कारीफोर से शॉपिंग करनी है अंदर ही लेके जा सकते हैं, फिर कोई मसला वगैरह हो सकता है और कोई चीज़ इनकी खाई जा सकती है। अभी टोकन मिल जाएगा, ये टोकन मिल गया, ये टोकन मिल गया है अभी हमें और सामान का, तो ये हम वापसी पे दिखाएंगे और हमें सामान मिल जाएगा। देख रहा हूँ मुझे कहीं पर नज़र नहीं आ रहा हेयर स्प्रे जो मुझे लाने के लिए कहा है, अभी मैं पूछता हूँ किससे यार को। ये हेयर का सेक्शन है, यहाँ पे तो कहीं पे भी नहीं पड़ा हुआ हेयर स्प्रे, भाई इधर एक ही हेयर स्प्रे पड़ा है बस टोनी एंड गाय का, इसके अलावा और कोई हेयर स्प्रे नहीं है यहाँ पे यार। उसमें पता नहीं उसका मुझे नाम भी नहीं पता लेकिन मैंने शक्ल देखी है कौन सा हेयर स्प्रे था, तो इधर तो उससे तो नहीं मिलेगा। जेल है, वैक्स है, वैक्स भी है, जेल भी है लेकिन वो हेयर स्प्रे नहीं है यहाँ पर, एक ही है ये टोनी एंड गाय का, लेकिन इस पर प्राइस नहीं लिखी, प्राइस का लिखी हुई है नज़र नहीं आ रही कहीं पर भी यार प्राइस को। यार मैंने पूरा कारीफोर घूम लिया लेकिन मुझे नहीं मिल रहा वो हेयर स्प्रे, तो अभी मुझे गर्मी लगने लग रही है लगी है घूम फिर के क्योंकि यहाँ पे हीटअप बहुत ज़्यादा है और मैंने जैकेट भी पहनी हुई है इस वजह से, तो अभी मुझे प्यास लग रही थी मैं कोल्ड ड्रिंक वाले सेक्शन में आ गया और अभी मैंने स्प्रिंग की बोतल ली है और अभी मैं कोल्ड ड्रिंक पीने लगा हूँ। लगी है भाई अर्जुन दोबारा 5 मिनट के लिए रखवाया था सीधा सामान, अभी दोबारा आ गई यहाँ से बाइक को दूंगा टोकन मैंने निकाल लिया और पहले टोकन निकाल लिया और टोकन देंगे और सामान लेंगे और चले जाएंगे यहाँ से। यार सामान ले लिया है और हेयर स्प्रे नहीं मिला, भाई को जाके बता देंगे, नहीं मिला तो नहीं मिला यार, वो खुद ही परचेज़ करेगा, उसको जाके बस बता देना, मैंने ढूंढ लिया काफ़ी लेकिन नहीं मिला, तो अभी मैं यहाँ से बस नीचे उतरूँगा, नीचे उतर के बाहर चला जाऊँगा, बहुत गर्मी लग रही है यार, कोल्ड ड्रिंक भी बाहर जाके पीऊँगा, खड़े होकर नहीं पी सकते। आज बहुत ज़्यादा रश लगा क्योंकि वीकेंड है और बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं और वापस जा भी रहे हैं। पौधे क्या हो गया, कैसे टूट गया? बाहर तो पठान लगाते हैं रेडी मूँगफली की, यहाँ पर भी लगी है मूँगफली है, देखो ये देखो मॉल के अंदर भी दुकान लगी है मूँगफली, दुकान मॉल के अंदर भी दुकान लगी है मूँगफली की,
तो ये एम जी का शोरूम है और बस ये आउटलेट गेट है। बाहर बहुत तेज़ हवा आ रही है, अभी मैं बाहर निकलना ना तो देखना कितनी तेज़ हवा आएगी। ये देखो भाई, अभी मैं बाहर निकल आया हूँ और अभी बाहर निकलूँगा तो देखना कैसे ठंडी ठंडी हवाएं लगी हैं भाई एकदम। तो बस यहाँ से बाहर निकलूँगा अभी मैं, और बाहर निकल के बाइक निकालूँगा, बाइक निकाल के बस घर की तरफ जाऊँगा। और प्यास भी लग रही है, सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद जाऊँगा बाइक की तरफ। अच्छा, कल सारा दिन बारिश होती रही थी परसों भी, और आज जो है ना मौसम सही है, इतना यानी कि बादल आए थे लेकिन बादल अभी चले गए हैं बादल, और चांद निकल आया। मैं आपको दिखाता हूँ अभी मौसम की सूरत हाल। ये देखो अभी बादल चले गए हैं बिल्कुल और चांद भी नज़र आ रहा है, और ये पार्किंग है। पार्किंग देखो बिल्कुल फुल हुई है, आज तो वीकेंड है और लोग बारिश भी थी ना, और ये लोग इंजॉय करने के लिए आए हैं। देखो ओ एंड तक फुल है। अच्छा यार, अभी मैं जा रहा हूँ पार्किंग की तरफ, बाइक की काफ़ी दूर है यहाँ से, काफ़ी पैदल चल के जाना पड़ता है, तो बाइक निकालनी है। बाइक निकाल के यार मिठाई दे के गए थे भाई, बहावलपुर से आए थे मेरे फ्रेंड्स, उनकी सिस्टर की शादी थी और वो मिठाई दे के गए थे मेरे दोस्त के घर, तो अभी मैं उनके घर जाऊँगा और मिठाई लेके फिर मैं जाऊँगा घर की तरफ। पोल के बाहर जिम भी है लेकिन इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 10,000 है मेरे ख्याल से। देखो यार इतनी दूर पैदल चल के जाना है बाइक लेने के लिए। देखो बाइक की पार्किंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन इंसान जब मैं आया था ना मुझे पता नहीं है मैंने कहाँ बाइक खड़ी की थी, अभी बाइक ढूंढना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा बाइक्स लगी हैं यार। कीचड़ा यार, कैसे जाएंगे, ओह फट गया यार। अभी मैं जा रहा हूँ, अंदाजन मैं जहाँ पे खड़ी करता हूँ ना बाइक, जिस समय मैं सुबह आता हूँ तो वो एक लाइन है वहीं पे ही मेरे ख्याल से खड़ी होती है। देखो कितनी ज़्यादा बाइक्स हैं यार, वो भाई किस्मत अच्छी है, मैं डायरेक्ट बाइक के पास आके खुद ब खुद रुक गया हूँ ऑटोमेटिकली। देखो यार बाइक्स ही बाइक्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसके पास आके रुक गया हूँ, क्योंकि यहीं पर लगती है सुबह के टाइम बाइक ज़्यादा। अभी भाई मैं मिठाई लेने जा रहा था, मुझे रास्ते का पता नहीं है, काफ़ी शोर हो रहा है, तो एकदम मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया और साथ ही पेट्रोल पंप वाली दुकान यहाँ से मेरा पेट्रोल डल रहा है। ट्रैफिक जाम हो गया है बहुत ज़्यादा यार, जाना पठान। अच्छा यार, मैंने वहाँ पे चौक पे वहाँ से मैं सड़क के अंदर दाखिल हुआ था, जो घर महमूद भाई के घर की तरह सड़क जाती है, मैं अभी दाखिल हुआ था उस पर, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होगी। उसके बाद उससे पहले ना पेट्रोल ख़त्म हो गया था मेरा, तो पेट्रोल जहाँ पे ख़त्म हुआ साथ ही शॉप थी वहाँ से मैंने पेट्रोल डलवा लिया है। अभी मैं महमूद भाई की गली के पास पहुँच गया हूँ, तो मैं कन्फर्म कर रहा हूँ कि यार वहीं पर इनका घर है कि नहीं, तो इनको कॉल कर रहा हूँ, अभी वो कॉल उठा नहीं रहे हैं, तो अभी दोबारा मैं कॉल करता हूँ, वो फ़ोन उठा लें तो मैं उनके घर घर पर चला जाऊँ, तो अभी मैं दोबारा उनको कॉल करता हूँ, देखो क्या होता है। जाम हो गया, मैं रोड पे आया हूँ, तो ये ट्रक वाले ने जाना सीधे सीधे गली में सामने, और वो सामने से भी गाड़ी आई खड़ी हो गई है, चल पड़ी है भाई ट्रैफिक। यार मैं पहली गली में चला गया था लेकिन वो वाली गली में नहीं जाना था, फिर महमूद भी ने कॉल उठा ली थी, अभी मैं उन्होंने कहा था कि दूसरी गली में एंटर होना है, और सामने बाबा बुक सेंटर है, बाबा बुक सेंटर नज़र आ गया, अब इसी गली में मैं आ गया हूँ। कहते यार दोबारा कॉल करी वहाँ पर पहुँच के, तो अभी मैं उनको दोबारा कॉल करता हूँ, दोबारा कॉल करके पूछता हूँ यार आगे कहाँ पर जाना है गलियों में। अच्छा भाई अभी ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, मास्क उतार देता हूँ। अच्छा ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, ओ यार अच्छा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी जहाँ से मैं अभी निकला हूँ वापस, क्योंकि मुझे सड़क पार करने का मौका नहीं मिल रहा था। महमूद भाई का कॉल किया, महमूद भाई ने कहा है कि यार मैं तुझे समझाता हूँ रास्ता, उन्होंने समझाया फ़ोन पर, और मैं वहाँ पर देखा यार गलियों में तो काफ़ी लोगों ने आग लगाई थी सर्दी की वजह से। अच्छा मैं वहाँ पर पहुँच गया, और मैंने कहा यार कैसे कहूँगा कि मिठाई दे दें, तो मैंने कहा बैठा दिया कि यार महमूद भाई ने कहा कि मिठाई दे दो, महमूद भाई ने भेजा कि मिठाई दे दो, वो मुझे उनको पता लग गया कि यार उन्होंने पहले बताया होता महमूद भाई ने, तो उनके भाई आए हैं जो दुबई से आए हुए थे, तो उन्होंने आके मिठाई दी है, और बस अभी उन्होंने मुझे वापसी का रास्ता नहीं पता चला था, गलियाँ ज़्यादा थी, तो वो भाई मेरे साथ ही आए थे, उन्होंने भी जाना था बाहरी, तो वो बाहर मेरे साथ आए, उन्होंने बाहर उतार दिया और मैं वहाँ से फिर इस तरफ को निकल आया, तो अभी मैं बस घर जा रहा हूँ। यार मैं अभी घर आ गया था, और घर आके सोन हलवा भी ले आया था, तो अभी मैं खाना खाने के बाद सोन हलवा खा रहा हूँ, बहुत मज़ा क्या।
आते हुए भी रास्ते में ना खोल के मुझे भूख लगी थी, मैंने खोल के खाना शुरू कर दिया था। जिन भाई ने भिजवाया ना उनको मैंने पिक्चर सेंड करके उनका शुक्रिया अदा किया, थैंक यू यार। शॉप से उन्होंने लेके भेजा, वो शॉप काफ़ी पुरानी है और कदीम है और खालिस चीज़ों से बना हुआ है, बहुत मज़े का यार। अच्छा तो मैंने खाना खा लिया था, खाना खाने के बाद मीठा भी खा लिया था जो कि मिठाई में लेके आया था, दोस्त मेरे लाए थे भावलपुर से सोन हलवा, बहुत मज़े का था। अब्बू खाते हैं सेब, वो जो रात को देना होता है जबकि फ्रिज में पड़ा होता है ना ठंडा होता है, तो सुबह उसी टाइम निकालें तो वो ठंडा ठंडा नहीं खाया जाता, तो अभी से रात को निकाल के सेब अब्बू को देना है। और इसके अलावा बस कि मेहमान जो है ना वो अपनी खाला के घर गए हैं, तो अभी इस वजह से ना खामोशी लग रही है घर में। आज मैं पैकेज मॉल जॉब पे गया था और कल मैंने पोर्ट्रेट जाना है, अभी एडिटिंग भी करनी है, पोस्ट भी करनी है, तो पोस्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार, व्लॉग बहुत लंबा होता है ना, इस वजह से 30-40 मिनट का व्लॉग बन जाता है, तो अभी आहिस्ता उसका शॉर्ट ला रहा हूँ। और बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार, दुआ में याद रखिएगा आप। अल्लाह हाफिज़।